एक तोते की पांच बातें हमेशा ध्यान में रखिए, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आशा करते हैं कि इस प्रसंग के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रसंग को अंतिम तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। मित्रों, एक जंगल में एक शिकारी ने एक मृग पर तीर चलाया। उस तीर पर बहुत ही जहरीला विष लगा हुआ था, परंतु वह तीर मृग को ना लगकर एक हरे भरे एवं फल फूलों से लदे हुए वृक्ष पर लग गया। कुछ ही क्षणों बाद उस वृक्ष में जहर फैला और वह फल फूलों से लदा हुआ एवं हरा भरा वृक्ष जहर के कारण सूखने लगा। उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उस वृक्ष को छोड़कर वहाँ से चले गए। उसी वृक्ष के कोटर पर एक धर्मात्मा तोता रहता था, जो कि कई वर्षों से वह तोता उस वृक्ष के कोटर में रहता था। वह तोता भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। उस तोते ने यह जानते हुए भी कि इस वृक्ष में अब ना तो फल है, ना ही फूल है और ना ही यह वृक्ष अब हरा भरा है, तब भी उसने उस वृक्ष को नहीं त्यागा, बल्कि वह तोता पहले से ज़्यादा उसी वृक्ष में समय बिताने लगा। दाना पानी के अभाव के कारण वह तोता भी अब सूखने लगा एवं काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपता रहा। एक दिन एक महान तपस्वी ऋषि वहां से गुजर रहे थे, तो साधु ने उस तोते को उसी वृक्ष की एक सूखी हुई टहनी पर बैठा देखा। साधु अंतर्यामी थे, उनको सब कुछ समझते हुए देर नहीं लगी, परंतु तब भी उन्होंने कहा, हे तोता, इस पेड़ पर ना पत्ते हैं, ना फूल है, ना फल है। यह वृक्ष अब ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जैसा हरा भरा और फलदार कभी नहीं हो पाएगा। इस वृक्ष की बचने की भी संभावना जान नहीं पड़ती। इसी जंगल में कई ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत ही फलदार एवं हरे भरे हैं। वहाँ से सरोवर एवं नदियाँ भी पास में ही हैं। पानी की एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था भी है। तुम इस सूखे हुए पेड़ को त्याग क्यों नहीं देते और वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तोते ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया, इसी वृक्ष पर मैं पला बढ़ा, इसके मीठे फलों को खाकर मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हुआ। इसी वृक्ष ने मेरे शत्रुओं से मुझे बचाया। इस वृक्ष में रहकर मेरा जीवन सुख से बीता। आज इस वृक्ष पर विपत्ति आई, आज इस वृक्ष पर बुरा वक्त आया, तो मैं अपने सुखों के लिए स्वार्थियों की तरह इसे छोड़कर चला जाऊं। हे साधु महाराज, यह अन्याय नहीं होगा। हे साधु महाराज, संतान का कर्तव्य है कि चाहे उसके माता पिता के ऊपर विपत्ति पड़ जाए या फिर माता पिता बूढ़े हो जाएं एवं असहाय हो जाएं, संतान को अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, संतान को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसी तरह मेरे जन्म लेने के पश्चात मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, परंतु इस वृक्ष ने मुझे पुत्र की तरह पाला, इस वृक्ष ने मुझे जीवन दिया। यह वृक्ष मेरे लिए माता पिता तुल्य है। हे तपस्वी, जिस वृक्ष के साथ मैंने सुख में सुखों को भोगा, आज इसके दुख में मैं भी दुखों को भोगूंगा। मुझे इसकी सेवा में ही आनंद है। आप महान तपस्वी होकर भी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। हे तपस्वी, मैं तोता होते हुए भी भगवान श्री नारायण का परम भक्त हूँ। प्रभु की भक्ति करने से मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है। हे साधु महाराज, अगर किसी ने हमारे जीवन में विपत्ति के समय थोड़ा सा भी सहयोग किया हो एवं हित किया हो, तो हमें उसकी अच्छाइयों को कभी नहीं भूलना चाहिए एवं उसके विपत्ति के समय यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए। विपत्ति के समय ही यह उचित ढंग से जाना जा सकता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अपनेपन का दिखावा व्यक्ति सिर्फ अगले के सुखी होने पर ही करते हैं, परंतु किसी पर विपत्ति आने पर वही दिखावा करने वाले व्यक्ति दूर खड़े मिलते हैं, जो कि यह बहुत ही गलत है। जिन्होंने हमें जन्म दिया वो तो हमारे माता पिता होते ही हैं, परंतु जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया वो भी हमारे माता पिता तुल्य हैं और उनके सत्कर्मों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
अपनेपन का दिखावा सिर्फ वही करते हैं जिनके अंदर स्वार्थ भरा हो। स्वार्थपूर्ण व्यवहार और जीवन पाप को उत्पन्न करता है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने हित के लिए, चाहे उसे दूसरे का अहित ही क्यों न करना पड़े, अर्थात पाप ही क्यों न करना पड़े। और पाप करने पर पाप करने वाले का एक दिन नाश हो जाता है। हे साधु, जीवन तो सुख और दुख से भरा पड़ा है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारा अच्छा समय चल रहा है और दूसरे का बुरा समय चल रहा है। तो हम अपने अच्छे समय में यह भूल जाएं कि अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका बुरा समय आज चल रहा है वह कल को सुखी हो जाएगा, उसका अच्छा समय निश्चित ही आएगा। परंतु हमारा अच्छा समय बुरे समय में बदल सकता है, हे साधु, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि समय अच्छे और बुरे आते जाते रहते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। व्यक्ति को अपने अच्छे समय पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के बुरे समय को देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि विधाता कब उसे बदल दे यह कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति पर अगर कभी विपत्ति भी आए तो उसे घबराना भी नहीं चाहिए। विपत्ति के समय उसे यही सोचना चाहिए कि बुरा समय है, कुछ दिनों में यह टल जाएगा और पुनः नया सवेरा होगा। मित्रों, तोते की ऐसी बातों को सुनकर वह तपस्वी साधु भगवान नारायण के रूप में हो गए। वैसे भी परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु बड़े दयालु हैं। भगवान अपने भक्त की सहायता करने अवश्य आते हैं, बस भक्त के विचार शुद्ध और सात्विक हों। जब भक्त तोते को भगवान ने देखा कि मेरा भक्त दुख में है, विपत्ति में है, तो भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े चले आए। मित्रों, जब उस तोते ने अपने प्रभु को देखा तो तोते के आंखों से आंसू छलक गए। तोता कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका। मेरी वाणी द्वारा निकले हुए अगर कुछ भी गलत शब्द हों तो हमें क्षमा कीजिएगा। मैं अज्ञानी हूँ। मेरे सामने साधु वेश में परम ज्ञानी, सबको पालने वाले परम दयालु विधाता खड़े थे और मैंने आपको ही उपदेश दे दिया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। फिर तोते ने कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन आपके दर्शन से धन्य हो गया। भगवान बोले, हे भक्त, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह तुम मुझसे मांग लो। तोता ने कहा, हे प्रभु, मेरे इस प्यारे वृक्ष को पहले की ही तरह फल और फूलों से संपन्न कर दीजिए एवं इसे हरा भरा कर दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने उस वृक्ष को पुनः पहले ही जैसा फल फूल से शोभित एवं हरा भरा कर दिया। उस वृक्ष में पुनः नई कोपले निकल आईं, वह पहले की ही तरह हरा भरा हो गया, उसमें खूब फल लग गए। भगवान अपने भक्त तोता को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। वह तोता उस वृक्ष पर बहुत समय तक रहा। अंत में मरने के बाद भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ लोक में चला गया। दोस्तों, बुरे समय में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। जो भी उस समय विपत्ति में पड़े हुए का साथ देता है वही सच्चा हितैषी है, वही सच्चा मित्र है और वही सच्चा अपना है। सुख में तो सभी साथ खड़े हुए दिखते हैं, परंतु दुख में कोई कोई ही साथ खड़ा रहता है। मित्रों, किसी के सुख के साथी बनो या ना बनो, लेकिन किसी के दुख के साथी अवश्य बनिए। मित्रों, तोते की तरह दूसरों का सुख देखने वाले एवं दूसरों का हित चाहने वाले लोग स्वयं वृक्ष के हरे भरे होने से एवं फल फूलों से संपन्न होने से सुखी हो जाते हैं, एवं पापी लोग तो स्वयं दंड के भागी बनते ही हैं और उनका साथ करने वाले भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान उसी की सहायता करने आते हैं जो अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी हो, अर्थात जो अच्छा व्यक्ति होता है, जिसका अच्छा व्यवहार होता है, जिसका चरित्र साफ और स्वच्छ होता है, जिसके मन में जरा सा भी पाप नहीं होता। दोस्तों, परमपिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ, परम दयालु सर्वस्व पालक भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, आशा करते हैं कि इस प्रसंग के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए।
जय श्री नारायण, जय श्री हरि विष्णु।